हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टेलीप्राइम की है और ये बना रहा हूँ मैं एक हमारे व्यूअर हैं दीप्ति शर्मा, इनके रिक्वेस्ट पर। और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर कैश सेल ऑफ गुड्स एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी या सेल्स वाउचर में, ठीक है। तो देखिए जो कैश होता है ना, अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से आ जाते हैं वाउचर में। तो यहाँ पे वाउचर एंट्री पास करेंगे। अब देखिए हमने परचेज वाउचर में एंट्री पास कर रखी है, अब हम चल रहे हैं सेल्स वाउचर में, ठीक है। तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए हमें प्रेस करना है F8 कीबोर्ड से, F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। अब यहाँ पर कोई भी हमें डेटर पार्टी का लेजर नहीं दिखाई पड़ रहा है, हालांकि क्रेडिटर पार्टी का है लेकिन डेटर पार्टी का लेजर नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कैश यूज करेंगे। कैश यूज करने से क्या होगा, आपको पेमेंट मतलब पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी रिसिप्ट वाउचर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर कैश करिए, डायरेक्टली आ गए नीचे, यहां पे आए और अगर जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो देख लीजिए, रेगुलर है क्या है तो वो सब देख लीजिएगा। और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर एक सेल्स अकाउंट का लेजर लगा दीजिएगा, जैसे वहां परचेज अकाउंट का लगाते थे तो यहां पर लगा दीजिएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये लगा दिया सेल्स अकाउंट, और यहां पर जब आएंगे तो यहां पे ये अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा, ठीक है। ग्रुप में अगर कंफ्यूजन होती है तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये ग्रुप वाला कंफ्यूजन दूर होता चला जाएगा, आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर भी लग जाएगा। और अब स्टॉक आइटम की बात करें, लाइक हेडफोन है 40 पीस है, तो मान लीजिए 35 पीस हम सेल कर रहे हैं और एक की कीमत रख रहे हैं 950 रुपए, ठीक है। जो खरीद रेट पड़ी थी उससे ज्यादा का ही बेचेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी का लेजर आएगा, तो ये सीजीएसटी लगा दिया हमने और फिर यहाँ पे लगा देंगे एसजीएसटी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एसजीएसटी, ओके। अब यहां से इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराता हूं, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको देखना हो कि ये किस तरह से आया है तो यहां पर आकर के और दो बार डी प्रेस कीजिएगा तो ये दिख जाएगा, ये सेल्स वाउचर पे एंट्री पास हुई है। ये कुल मिलाकर के 39,238 रुपए का सेलिंग हुआ है जो कैश में हुआ है, ठीक है। इसका क्या प्रूफ है कि हमें अब पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रूफ मैं दिखाता हूं आपको। देखिए कहां से पता चलेगा कि आपको पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है, यहां पर जब जाएंगे ना ये यहां पे, तो यहां से आपको चले जाना होगा रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। और रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे जब तो यहां पर तो अभी तो हमने कैश में रिसीव किया तो यहां पर तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लेजर तो हमने लगाया नहीं, हमने डायरेक्टली किसमें सेल किया है, कैश में सेल किया है, तो कैश हमको हाथों हाथ रिसीव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसका एंट्री नहीं पास करेंगे, यानी कि रिसीव करने की एंट्री उसी में हो जाएगी जबकि आपने कैश में ये एंट्री पास की है। कैश का मतलब हो गया कि कैश में ही एंट्री पास की गई है। अगर कोई जैसे सपोज कीजिए यहां से बाहर आता हूं फिर आता हूं अब सेल्स वाउचर में, F8 प्रेस कर लेता हूं सेल्स वाउचर में आने के लिए, अगर कोई डेटर पार्टी अगर लेके जाती है सामान, लाइक यहां पे कर देता हूं राधिका, यहां पे डी कर देता हूं यानी डेटर, यहां पे आए, अब ये जाएगा सन्ड्री डेटर में, तो यहां से जाइए सन्ड्री डेटर कर दीजिए, इसको एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और यहां पे एंटरप्रेस करके डिटेल उटेल फिल कर लीजिएगा। एंटरप्रेस करता हूं, ये आ गया, यहां पे भी इसको एक्सेप्ट करिए और फिर यहां पे सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आए, अब जैसे ही आएंगे तो यहां देखिए हेडफोन 5 पीस बचा हुआ है, 4 पीस और जो है सेल कर दे रहा हूं 950 रुपए के हिसाब से, ये आ गए। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ 33,250 रुपये दिखा रहा है, ये 33,250 रुपये क्या है अभी बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सीजीएसटी लगा दीजिए, 342 रुपये आ गया, अब एसजीएसटी लगा दीजिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब ये दोनों लगा दिया, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट करा लिया, अभी डेटर पार्टी के थ्रू ये सेलिंग हुई है, ठीक है, मतलब डेटर पार्टी ने अभी कैश रिसीव नहीं कराया है। तो अभी पता करने का क्या तरीका है, अब आपको जाना पड़ेगा रिसिप्ट वाउचर में, F6 प्रेस कीजिए रिसिप्ट वाउचर के लिए, यहां पर आइए। अब यहां पे आ रहा है क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट किसको करना है आपको, तो यहां पे आइए डेटर पार्टी को करना है क्रेडिट, ठीक है, राधिका डी है। अब देखिए यहां पर राधिका के ऊपर कितना बैलेंस शो कर रहा है, देखिए मात्र 4,484 रुपए, ये 4,484 रुपए आया कहां से है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे दो बार डी प्रेस करता हूं, राधिका ने ये सामान खरीदा है और कुल मिला के कितने का सामान खरीदा है, 4,484 रुपए का, और यही इनके ऊपर बकाया दिखा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही चीज बकाया है। तो अभी यहाँ पे वी प्रेस करूंगा वाउचर में जाने के लिए और F6 पर प्रेस करूंगा रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए, और ये पूरा का पूरा
4484 जो भी है, तो यहां पे जब क्लिक करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये राधिका का लेजर आ जाएगा और फिर यहां पे 4484 यहां लगा दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पर डेबिट किसे करेंगे, कैश में दे रही है तो कैश कर लीजिए और यहां पे नरेशन वर्सन डाल के एक्सेप्ट करा लीजिए। फिर जब दोबारा देखिएगा तो राधिका के ऊपर बैलेंस नहीं शो करेगा। अगर आप दोबारा पेमेंट रिसीव करने की कोशिश करिएगा तो इसको डालिएगा कहां, क्योंकि इन्होंने कुछ खरीदा नहीं, ये जीरो है। देखिए राधिका पर कोई बैलेंस शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आते हैं सेल्स वाउचर में, वापस से F8 प्रेस करते हैं। अब देखिए जैसे ही सेल्स वाउचर में आए कैश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैश कितना अवेलेबल है आपके पास। ये कैश कर दिया हमने, इसको रेगुलर रख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए कुल मिला के 43,722 रुपया कैश अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ये है, कैसे इतना अवेलेबल है। तो यहां पर आ जाते हैं, अब देखिए 4484 रुपया ये दे दी है, ठीक है, कौन दिया है, राधिका दी है, और 39,238 रुपया हमें हमने कैश में सेल किया था तो इसकी वजह से इसको रिसीव करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोनों मिलाकर के ये टोटल आ गया आपका, जो टोटल हमको वहां दिखाई पड़ रहा था सेल्स वाउचर में। मैं फिर दिखा देता हूं, यहां से जाइए सेल्स वाउचर में और यहां पर जैसे ही कैश करिएगा एंटर प्रेस कीजिए यहां पर और इसको रेगुलर रख दीजिए। अब देखिए यहां 43,722 आ रहा है ना, तो ये जो है ना ये वही अमाउंट है जो आपको रिसीव हो चुका है, वो आपके खाते में दिखा रहा है कि कैश आपके पास इतना मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैश वाला हिसाब किताब है क्या, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।